न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले में जनपद पंचायत नईगढ़ी के अंतर्गत जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 17 से नामांकन दाखिल करने के बाद अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनपद पंचायत नईगढ़ी के अंतर्गत आगामी जनपद सदस्य के लिए हो रहे चुनाव में जहाँ एक तरफ विकासकारी लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विनाशकारी लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं जो युवाओं को शराब और कोरेक्स के दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। श्री तिवारी ने जनपद पंचायत नईगढ़ी में हुए भ्रष्टाचार पर जमकर खरी खोटी सुनाई। आइए आपको सुनाते हैं अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने क्या कहा है। अपील करने आए हैं, क्या आगामी चुनाव में क्या आपकी शर्तें होंगी और किन शर्तों पर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो जनता का लड़ना है और जनता के हितों के लिए कि जनता को क्या चुनना है। ये चुनाव जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि विकास और विनाश का चुनाव है तो ही चुनाव है। एक तरफ विनाशकारी लोग चुनाव लड़ेंगे और एक तरफ विकास के लोग लड़ेंगे। विकास पानी चाहिए, जो चुने लोग थे फिर से नए वादे लेके आएंगे, नल जल, जल जीवन और मुख्यमंत्री नल जल, एक बूंद पानी नहीं है, सर मानी चाहिए। उनसे चुनाव है जिन्होंने हमारे हिस्से का पानी खाया। हवा, कोरोना काल में आप सबने देखा है कि हवा कितनी महत्वपूर्ण है, एक सिलेंडर के लिए कैसे भटक रहे थे लोग। वो लोग चुनाव लड़ेंगे जिन्होंने पेड़ खाया, चाहे वो हरियाली महोत्सव के पेड़ रहे हों, 8 वर्षों में खा गए, उनका पेट ऐसा रहा कि हमारे हिस्से की हवा खा गए। वो विनाशकारी लोग हैं, उन विनाशकारियों के खिलाफ चुनाव है, उनके खिलाफ चुनाव है जो गली गली में हमारे युवाओं को गुलाम बना के और नशे का व्यापार किए, कोरेक्स, गांजा, शराब की जो घर पहुँच सेवा नईगढ़ी क्षेत्र में शुरू हुई उसके खिलाफ चुनाव ये जनता लड़ेगी। मैं चुनाव लड़ने की हैसियत में क्या हूँ, मैंने अपना आवेदन पत्र जनता के सामने रखा है एक उद्देश्य से, विनाश के विकास, विकास को चुनना है तो जो मुद्दे हैं उस पर वोट दें, जो विनाश के जिम्मेवार हैं उनका मुंह काला करें, जो कोरेक्स के व्यापारी हैं जनप्रतिनिधि बन के गली गली कोरेक्स, गांजा और शराब पहुंचा रहे हैं वो चिन्हित लोग हैं। ऐसे लोगों को क्या चाहते हैं आप कि आने वाली पीढ़ी, इनका एक चीज़ में योगदान है, अगर आप चाहते हैं कि जीते भविष्य में जो एक परिवार नियोजन की परियोजना है भारत सरकार की, उस पर शायद खर्चे चलते हैं, अगर उसको आप पसंद करते हैं तो ऐसे विनाशकारियों के देखिए। इसलिए कि कोरेक्स के जो युवा कोरेक्सी हैं 16-17 साल की उम्र में ही नपुंसक हो जा रहे हैं तो परिवार नियोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस मुद्दे पे आप उनको समर्थन और जनता देती है तो उनको वोट दें, लेकिन अगर विनाश नहीं चाहते विकास चाहते हैं तो इस बार का चुनाव एक तरफ विनाशकारी टीम रहेगी और एक तरफ विकास की बात करेगी। मुद्दे हैं, खुली बहस हो जाए, पूरा जितना जनपद क्षेत्र में खर्च हुआ है वो पैसे का हिसाब आ जाए, टट्टी खा गए लोग वो टट्टी ढूंढ दी जाए, नाली खा गए वो नाली ढूंढ दी जाए, खेत में जो मेड़ गई वो ढूंढ दिया जाए, जो तालाब बने वो ढूंढ दिए जाए। जो युवाओं के लिए कहा जाता है कि अगर हर 5 गांव के बीच में खेल मैदान बना दिया जाए तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, एक खेल मैदान ढूंढ दें, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। और ये जनता कर सकती है कि जनता चाहती क्या है, विकास चाहती है कि विनाश? अगर जनता विनाश चाहती है तो जनता के साथ हम भी हैं। अगर विकास, हवा, आज से जो बुजुर्ग हैं, गुरुजी हैं और लोग हैं, आज से 20 साल पहले